अधिक राजकीय महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन शक्ति के अंतर्गत छात्राओं के सशक्तिकरण हेतु आत्मरक्षा शिविर का जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा समापन किया गया। दरअसल आपको बताते चले कि जनपद शामली के कैराना में स्थित विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति के अंतर्गत छात्राओं के सशक्तिकरण हेतु आत्मरक्षा के लिए 9 दिवसीय मार्शल आर्ट कैंप का आयोजन किया जा रहा था, जिसका समापन जिलाधिकारी शामली जसजीत कौर द्वारा किया गया। इस अवसर पर जनपद की 14 चयनित नारी शक्तियों को सम्मानित किया गया। ये है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, और जो लोग समझते हैं कि लड़कियां कमजोर हैं, उनको हम दिखाना चाहते हैं हम आगे कर सकते हैं बहुत कुछ। हम में हिम्मत आई, एक जज्बा आया है। 9 दिनों में हमने बहुत ट्रेनिंग सीखी और टाइल्स भी हमने 5-5, 6-6 टाइल्स तोड़ दी, और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब हम अकेले कहीं मतलब अकेले जा सकते हैं, हमें किसी का सहारे की जरूरत नहीं है। यह है उत्तर प्रदेश शासन का एक प्रोग्राम है मिशन शक्ति, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हमारे महाविद्यालय में ये पिछले 17 अक्टूबर से एक वीक का प्रोग्राम, 9 दिन का प्रोग्राम चला है, जिसमें बालिकाओं को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाए गए हैं, हाउ टू सर्वाइव इन दी सोसाइटी, ये सब बातें बच्चों को सिखाई गई हैं। विजय सिंह पथिक कॉलेज कैराना में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था, जो हमारा मिशन शक्ति सप्ताह चल रहा है उसका समापन आज किया गया है, जिसमें इस कॉलेज में जिन्होंने ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ली है बच्चियों ने, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, उनको प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं, मेडल दिए गए हैं। और पूरे सप्ताह में जिन अधिकारियों ने, जिन महिलाओं ने पूरा इसमें योगदान दिया सप्ताह को सफल बनाने का, उन लोगों को भी प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं।